आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा के लेडी लाइल हॉस्पिटल और एसएन मेडिकल के कारण प्रसूता झूल रही है मौत के झूले में। आगरा के लेडी लाइल हॉस्पिटल ने मीनू दिवाकर नाम की महिला को लेबर पेन होने के कारण भर्ती किया। लंबे समय तक उसके पति नवीन दिवाकर को गुमराह किया गया कि सुबह तक बच्चा हो जाएगा, पर अचानक इलाज न मिलने के अभाव में पत्नी की हालत गंभीर हो गयी। लेडी लाइल ने पल्ला झाड़ते हुए केस एसएन रेफर किया, जहां डॉक्टर ने प्रसूता के पति के साथ अभद्रता की गई। आगरा योगी जी के इस खुशहाल प्रदेश में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं पर ताले लगे हुए हैं। ताले कहने के पीछे का कारण है कि जब सरकार ने आम जन के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनवा रखे हैं तो फिर भी इलाज नहीं मिल पाता, तो फिर ऐसी सेवाओं पर ताला लगा देना ही एक औपचारिक विकल्प है। आगरा के लेडी लाइल हॉस्पिटल और एसएन की लापरवाही के कारण मीनू और उसकी मासूम बच्ची मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। बता दें कि मामला नवीन दिवाकर ने अपनी पत्नी मीनू को 30 जुलाई की सायंकाल तकरीबन 3 बजे लेडी लाइल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने पहले तो उसकी पत्नी को हॉस्पिटल के बाहर ऐसे ही डाल रखा। जब पति नवीन ने अपने कुछ पत्रकार साथियों की सहायता ली तो लेडी लाइल हॉस्पिटल की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता ने कहा सुनकर जैसे तैसे बेड का इंतजाम हुआ, क्योंकि मीनू के पति नवीन दिवाकर हिंदी दैनिक पेपर यूथ इंडिया पेपर में फोटो जर्नलिस्ट का कार्य करते हैं। पत्नी को लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में डॉक्टर की तरफ से कोई भी इलाज नहीं दिया गया। पति लगातार पूछता रहा कि मेरी पत्नी को बच्चा कब होगा, तो डॉक्टर बोले सब ठीक है, सुबह तक हो जाएगा। इस भरोसे के कारण तकरीबन रात 2:30 पर प्रसूता की हालत अचानक बिगड़ गई, तो डॉक्टर ने प्रसूता को एसएन रेफर कर दिया। पर एसएन के डॉक्टर ने भर्ती करने के बजाय प्रसूता के पति नवीन के साथ अभद्रता करने लगे। पति गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी पत्नी का इलाज शुरू कर दीजिए, उसकी हालत बहुत खराब है। पर डॉक्टर बोले अभी इंतजार करो, जब बेड मिलेगा तब भर्ती करेंगे। जब नवीन ने अपने आप को मीडिया में होने का हवाला दिया तो डॉक्टर के तेवर और बदल गए और प्रसूता के पति को और खरी खोटी सुनाने लगे कि तुम किसी भी प्रेस में हो जब बेड पर इलाज शुरू होगा, और अपने शब्दों की गरिमा भूलकर डॉक्टर नवीन से बोले कि पहले केस को खराब कर लाते हो और फिर यहाँ चले आते हो। नवीन जब देखा कि उसकी पत्नी को यहाँ उपचार नहीं मिल पाएगा, तो बिना किसी लापरवाही के वो अपनी पत्नी को प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उसने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करके अपनी पत्नी का इलाज चालू करवाया। डॉक्टर ने बिना वक्त बिताए उसका ऑपरेशन किया, जहाँ प्रसूता ने एक बच्ची को जन्म दिया। जहाँ एक तरफ उस छोटी सी बच्ची जन्म होने के तुरंत बाद मशीन में रखा गया, तो वहीं प्रसूता की भी हालत गंभीर है। प्रसूता के पति नवीन का कहना है कि अगर आम लोगों को जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब इलाज कराना है तो फिर ऐसे सरकारी हॉस्पिटलों का क्या फायदा, जहां इलाज के नाम पर इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नवीन दिवाकर। नवीन दिवाकर, नवीन दिवाकर जी, क्या दिक्कत हुई आपकी वाइफ के साथ? मेरे वाइफ के संग दिक्कत हुई है, इन लेडी लाइल में लापरवाही की गई है। क्या लापरवाही की गई है? कब आपने भर्ती किया था अपनी वाइफ को लेडी लाइल में? मैंने 3:30 भर्ती किया था, और जब तक दिन के डॉक्टर थे जब तक तो ठीक थी, उन्हें ऐसे कुछ नहीं बताया। उन्हें बताया सुबह 4 तक नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। उन्हें कि आप फैलाओ आराम से, सुबह फिर दोबारा चेक करेंगे। तब उन्हें 2 करीब चेक कराए नाइट वालों ने, उसमें उन्हें ब्लीडिंग चालू हो गई है। अच्छा, इस जितने भी इस टाइम ड्यूरेशन के द्वारा आपकी वाइफ को कोई ट्रीटमेंट दिया गया था किसी डॉक्टर्स के द्वारा? ट्रीटमेंट जब से मैं गया हूँ कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। केवल तो आपकी वाइफ को मतलब बेड पे थी, कैसी थी, क्या थी? कोई मुझे मालूम पड़ा है कि आपकी वाइफ को बेड भी नहीं दिया गया था, क्योंकि काफ़ी देर आपकी वाइफ बाहर पड़ी रही थी। हाँ, बाहर पड़ी हुई थी, कोई बेड नहीं दिया था। उसके लिए बोल लेते हैं अभी 7:00 दोबारा चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। और सुबह भी बोल दिया था चेक करके, रात को 11 हो जाएगा या 12 हो जाएगा, तब दोबारा करा तो 4 का टाइम दे रहे हैं। और उसके बाद चेक करने के बाद फिर उसके बाद 2 करीब रात को चेक कराया, चेक कराने के बाद ब्लीडिंग चालू हो गई है। तब इन्हें दूसरी जगह रेफ़र कर दिया। कहाँ पर? गड्ढे वाले यहाँ। आप रोइए नहीं, आप बताइए, आपकी आप जवाब देते रहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उन्हें दूसरी जगह
रेफर कर दिया उसी जगह कहाँ एसएन के लिए बच्चा बच्चा हुआ है गड्ढा में गड्ढे वाले पास में ठीक है वहाँ पे हम लेके पहुँचे वहाँ डॉक्टर लोग बदतमीजी से बोल लेते हैं जाइए ना पे लेडीज़ को लेके आइए तभी अंदर घुसने देंगे मैंने कि मैन साहब स्थिति बहुत ख़राब है बहुत ख़राब है आप चेयर आप भी किसके आगे दे दो या तो हम ले लेंगे उन्हें सख्त मना कर दिया बाहर भगा दिया फिर वो लेडीज़ को किसी लेडीज़ को बुला के लेके आए तब उन्हें चेयर दिए तब चेयर पे अंदर लेके गए उसके बाद उन्हें बोला है फिर भी लापरवाही लापरवाही बहुत देर हो गई ब्लीडिंग निकली जा रही थी अच्छा आपकी वाइफ की ब्लीडिंग हो रही थी डॉक्टर का इसके जब ब्लीडिंग हो रही थी और आपका डॉक्टर का क्या कहना था आपसे डॉक्टर का कहना था जब वहाँ पे दिखाया था तो ये आपने अल्ट्रासाउंड बहुत पहले कराया है जी मैंने कि ये तो जब से ये इलाज चल रहा है जब से तो इन लोगों ने बताया नहीं इसी से इलाज चला रहे थे ये आज लास्ट टाइम पे भाई का केस आपका फिर ट्रांसफर कर दिया है गड्ढे वाले वार्ड में हाँ। जहाँ डॉक्टरों ने आपसे ये कह दिया कि ट्रीटमेंट अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 पेशेंट ये बोला था हाँ ये बोला था क्या बोला था बताइए कैसे बोला था वहाँ पे ये कह रहे थे इमरजेंसी पेशेंट है बहुत ब्लड निकली जा रही है और सीरियस था बिल्कुल हमने बोला आप जल्दी देख लीजिए उन्होंने साफ कह दिया आप कागज़ पे साइन कर दिए हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चा बच्चे या माना बच्चे कोई जिम्मेदारी नहीं वो बात ठीक है लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ उन्होंने भर्ती किया कि नहीं किया था हॉस्पिटल में भर्ती अंदर साइन करा लेते बेड अंदर थे नहीं बेड के लिए मना किया गया बेड के लिए मना कर दिया था अभी जब बेड खाली हो जाएगा तो बेड पर डाल दिया जाएगा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कुल मिला के लेडी लाइन हॉस्पिटल की इसमें लापरवाही दी गई है गड्ढे वाले पार्ट की भी इसमें लापरवाही है और मेरे से बहुत बदतमीजी करी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत नमस्कार।